अशोकनगर। अशोकनगर जिला विकास पथ पर अग्रसर होकर निरंतर विकासशील है। अभी अभी कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाते हुए अशोकनगर जिले ने प्रदेश में प्रथम आकर मध्य प्रदेश के पटल पर अपना नाम अंकित किया है। नवागत कलेक्टर ने जिले की कमान संभालते हुए बीड़ा उठाया है कि शासन की जनहित और लोक कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन समय सीमा में एवं कार्य रूप में हो, जिससे जिले के निवासियों को उनका पूरा पूरा लाभ मिल सके। क्या कहती हैं कलेक्टर? जिले की चौथी महिला कलेक्टर के रूप में पदस्थ उमा माहेश्वरी ने पत्रकार रेखा नामदेव से रूबरू होकर बताया कि मेरा पहला उद्देश्य शासन की महती योजनाओं का लाभ नागरिकों को 100% दिलाना है। शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आइडियल स्कूल, सर्वसाधन युक्त छात्रावास और साथ ही साथ बच्चों की ऐसी शिक्षा की सुविधा जिससे कि पालकों पर आर्थिक बोझ ज्यादा ना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। फसलों की बर्बादी से पीड़ित किसानों का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। आवंटन आने पर शीघ्र ही किसानों को भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष कॉल सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें पीड़ित महिला की कॉल पर प्रशासन शीघ्र ही त्वरित कार्यवाही करेगा। चंदेरी साड़ी उद्योग को और अधिक विकसित करने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंदेरी उद्योग को इस तरह से विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे जिससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों और उन्हें प्रोत्साहन भी मिले। कलेक्टर महोदय का मानना है कि स्वस्थ व्यक्ति ही संपूर्ण कार्य संभालकर देश और समाज की सेवा कर सकता है। इसी तारतम्य में कलेक्टर महेश्वरी ने एक गरीब महिला असहाय को अपना ब्लड डोनेट कर उसका एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी तारतम्य में अशोकनगर जिले के नागरिकों को नवागंतुक कलेक्टर से असीम उपेक्षाएं हैं। जागरूकता और एक ऐसी अभिनव पहल की है कि जनता जनार्दन में आज चारों ओर कोरोना महावैक्सीनेशन अभियान को लेकर कलेक्टर महोदया की बाई बाई हो रही है। इसी तारतम्य में और हमारे जिले के कई विकास के मुद्दों पर हम आदरणीय महोदया से बात करने जा रहे हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदया, जो कोरोना महावैक्सीनेशन अभियान में आपने संपूर्ण मध्य प्रदेश में अशोकनगर को प्रथम लाया है, सफलता प्राप्त की है, आपकी इस सफलता की चर्चे हमारे जिले संपूर्ण जिले भर में है, जनता जनार्दन में है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये लोगों का ही सहयोग का परिणाम है। लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया, हमारे जो सभी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है इसमें, तो लोगों को जागरूक बढ़ी इसमें, तो तब जाकर के ये हमें रिजल्ट मिलता है जी। और अभी हाल ही में हमारे यहाँ जो किसानों का मुआवजे की बात चल रही है, उनकी फसल चौपट हो गई है, उस बारे में प्रशासन कहाँ तक सक्रिय है? तो प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, प्रशासन पूरी तरह से अवेयर है, इसमें सर्वे लगभग हो चुका है और जैसे ही शासन से आवंटन मिलेगी हम उसको तुरंत हम लोग वितरण कर लेंगे जी। सबसे इम्पोर्टेंट विभाग हमारे क्षेत्र में मैम सुरक्षा की दृष्टि से भी कहें स्वास्थ्य विभाग होता है और स्वास्थ्य विभाग से पहले भी आता है शिक्षा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के बारे में आपकी क्या प्रयास रहेगी? तो लगातार हमारी प्रयास ये रहेगी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए शासन द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएँ लागू की हैं उसका जो क्रियान्वयन है वो अच्छा हो। तो एक आइडियल स्कूल के लिए, एक आइडियल हॉस्पिटल के लिए जो जो चीज़ रहना चाहिए उसमें उसको पूरी तरह से क्रियान्वयन करने के लिए हम हमारी द्वारा प्रयास जारी जी। आदरणीय महोदया, जो अशोकनगर जिले में आपने भ्रमण किया तो भ्रमण के दौरान आपने कौन सी ऐसी एक चीज़ नहीं पाई और उस चीज़ के बारे में आप आगे भी प्रयास करना चाहेंगे उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए? ऐसा एक चीज़ का हमारे मन में जो आया है वो चंदेरी साड़ीज है जो विश्व प्रसिद्ध है, जो हमारे द्वारा ये हमेशा ये प्रयास रहेगा कि उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं और कैसे हम लोगों का जो बुनकर का जो उनका एसोसिएशन है और जो कारीगर हैं उनके आय कैसे बढ़ाएं और इसका प्रमोशन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो जी। और आप भी एक महिला हैं और एक महिला शक्ति के रूप में अशोकनगर जिले में कलेक्टर बनकर उभर कर सामने आई हैं, एक प्रतिभा हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या विशेष करना चाहेंगी? उनकी सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के लिए आपके मन में क्या अभिनव पहल है, कुछ ऐसा विशेष आपने सोचा होगा? सबसे पहले तो ये पहल यही रहेगी कि खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.